उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ सभी राजनीतिक दल अपना पूरा जोर प्रचार प्रसार में लगाए हुए हैं, तो वहीं अब यूपी चुनाव में इस बार बॉलीवुड की भी एंट्री होने वाली है। वाराणसी में इसकी शुरुआत मिस इंडिया मोस्ट पॉपुलर फेम 2019 की रचना सिंह यदुवंशी ने सीधे प्रियंका गांधी को टक्कर देने की बात कही है। अपने एक सूट पर वाराणसी पहुंची रचना सिंह ने वाराणसी में हुए विकास कार्य और यूपी में महिला सशक्तिकरण की तारीफ की, साथ ही देश में लड़कियों के साथ हो रहे बलात्कार जैसी घटना पर सख्त कानून लाने की बात कही। वहीं यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी के द्वारा लड़कियों को बढ़ावा देने पर कहा कि वह सिर्फ चुनाव के समय ही दिखाती हैं। यदि सच में वह महिलाओं और लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो वह कुछ ऐसा करें जिससे सभी को विश्वास हो सके। अचानक से जिस तरह से वह राजनीति में आई हैं, अगर मैं राजनीति में आऊं तो उनसे ज्यादा तो हमें वोट मिल जाएगा। चुनाव लड़ने पर कहा कि कई पार्टियों से ऑफर आ रहे हैं, अगर मेरे चुनाव लड़ने से समाज का भला हो सकता है तो इस पर जरूर मैं कोशिश करूंगी। जिन्ना के सवाल पर कहा कि यह हिंदुस्तान अब्दुल कलाम जैसे शख्सियत की है, देशद्रोह की बात ना ही की जाए तो बेहतर होगा। मैं बाबा श्री काशी विश्वनाथ की भक्त हूँ और वहाँ बेहतर हो रहा है तो अच्छा है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर भव्य हो रहा है, तो ऐसे ही मथुरा में भी होना चाहिए। वाराणसी से सूरज यादव की रिपोर्ट। मैम, बनारस आई हैं आप, कितना बदला हुआ देखा और क्या खास लगा बनारस में? नमस्कार, मैं रचना सिंह यदुवंशी, मिस इंडिया मोस्ट पॉपुलर फेस एंड बॉलीवुड एक्ट्रेस। और दूसरी चीज़ बनारस की बात, तो बनारस में ऑलरेडी बहुत, बनारस पहले से ही खूबसूरत था और लाइटिंग्स वगैरह की वजह से और भी खूबसूरत हो गया। मैं पर्टिकुलर फोकस करती हूँ घाट पे, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं से हुई, ग्रेजुएशन मैंने यहीं से कम्प्लीट किया हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा बहुत लगाव है बनारस से। तो घाट की जो चीज़ें हैं, जो लाइटिंग वगैरह चेंज हुई है, थोड़ा जो और खूबसूरत बनाया गया उस चीज़ को, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और ऐसे ही और दिन पर दिन आगे बढ़ती जाए, यूपी की बात कर ली जाए, देश की बात कर ली जाए, तो महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा पर आप क्या समझती हैं कि काम हुआ है, बेहतर है पहले से हालात? जी जी, इस पे मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि इस पे काम किया गया है और महिला हेल्पलाइन भी निकाली गई और महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई, तो ऐसा पहले के कंपेरिजन में महिलाएँ सुरक्षित हैं और ठीक है। और बट इस बीच में जो घटनाएँ, हाथरस जैसी घटनाएँ हो जा रही हैं, तो मैं सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करूँगी कि जो लोग अपराधी हैं उनके लिए एकदम सख्त से सख्त सजा दी जाए। और ताकि जब कोरोना के समय में मास्क का डर इतना फैला दिया गया कि चार्ज लग जाएगा, ये लग जाएगा, तो रेप क्यों नहीं रुक पा रहा है? जो अगर थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है तो उस पर भी ऐसा डर फैलाया जाए कि दोबारा कोई सोचे एक कदम उठाने से पहले। और बाकी जो बदलाव आए हैं वो बेहतर हैं और उम्मीद करती हूँ आगे और भी बेहतरीन। देखिए प्रियंका जी, इससे पहले उनका कोई पता नहीं चल रहा था और इलेक्शन के टाइम पे अचानक वो दिखने लग गई हैं, तो एक चीज़ है तो मुझे समझ में नहीं आती है। और दूसरी चीज़ की इस उम्र में वो कह रही है कि वो लड़की हैं, तो फिर मैं अपने आप को क्या कहूँ? वो लड़की हैं, वो लड़की हो गई तो मैं क्या कहूँ? लड़की हैं तो लड़कियों के लिए आगे आएँ और आगे आकर के उनके लिए सहयोग करें और उनके लिए कदम ऐसे बढ़ाएँ कि उनके लिए मजबूत हो, लड़कियों के लिए और कुछ बेहतर हो, लेकिन ऐसे नहीं कहा जा सकता। और 40% सीट की बात कर रही हैं, तो देखते हैं कहाँ से क्या करती हैं और उसमें क्या बदलाव आ सकता है, ये भी हम देख रहे हैं। और जिस तरीके से वो बात कर रही हैं, अचानक से वो जो आ गई हैं राजनीति में, इतना तो मैं राजनीति में आऊँ तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उनसे ज़्यादा वोट मुझे मिल जाएगा। चुनाव लड़ेंगी क्या प्रियंका के खिलाफ? 40% की जिस तरीके की वो बातें कर रही है, बाकी पार्टी से मुझे कुछ ऑफर्स भी हैं, अगर मुझे उचित लगा सब कुछ तो कोशिश करूंगी मैं, अगर मुझे लगा कि नहीं मुझे उतरना चाहिए इस क्षेत्र में और इससे अगर समाज का भला हो सकता है तो मैं कोशिश बेशक करूंगी। मैम, इधर भी जिन्ना का भी ज्यादा नाम लिया जा रहा है और पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है। देखिए, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में APJ अब्दुल कलाम जी की बातें की जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर है। अब देशद्रोह जैसी चीज़ों के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, ऐसे लोगों के विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना। मैम, आप यदुवंशी हैं, तो आप अपने लोगों को इस चुनाव में कैसे देखती हैं? यदुवंशी होने के नाते, यदुवंशियों की संख्या ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैं इस तरीके से देखती हूँ कि हाँ ठीक है, सबकी अपनी अपनी पार्टी है, उस हिसाब से सिर्फ जातिवाद या किसी से मसले पर मैं नहीं कहना चाहूँगी कोई भी चीज़ें। सॉरी, मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया। क्या आप मॉडल बनी हैं यदुवंशियों को? आप पहले की सरकार में क्या आपको लगता था कि यदुवंशियों को आगे बढ़ने दिया जाता था, कांग्रेस की सरकार में या इस तरीके में यादवों को आगे बढ़ने दिया जाता था?
अच्छा, पहले की सरकार में यादवों को किस तरीके से सपोर्ट किया जाता था वैसा मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती हूँ, कहूँगी कि संतुष्ट हूँ या फिर इस तरीके से, लेकिन अभी जिस तरीके से यदुवंश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हम कृष्णवंशी हैं, कृष्णवंशज हैं, कृष्ण जी को दुनिया उनकी दीवानी है और दुनिया उनके बारे में जानती है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर भक्त पूरी दुनिया में किसी के हैं तो वो कृष्ण जी के हैं और हम उनके वंशज हैं और मुझे कृष्णवंशी और यदुवंशी होने पर बहुत गर्व है और जिस तरीके से मैं आगे बढ़ रही हूँ मैं चाहूँगी कि हर लड़की इस तरीके से आगे बढ़े और हर यदुवंश का इंसान आगे बढ़ता रहे और सिर्फ यदुवंश नहीं सब कोई बढ़े, सब आगे बढ़े। विश्वनाथ जी दर्शन करने गई थी।